नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दमन मौजी पर। आप लोग पिछले एक हफ्ते से इस्लाम, जिहाद या फिर आप ये कहिए टेरर मॉड्यूल, ये सब खबरें आप टीवी चैनल्स पे सुनते हुए आ रहे हैं। तो राजधर्म की टीम ने या फिर आप ये कहिए मनमौजी की टीम ने ये सोचा कि ये जो खबरें इस वक्त आ रही हैं जिसमें बिहार टेरर मॉड्यूल की बात हो रही है, राजस्थान में जो उदयपुर में घटना हुई उसमें दावत इस्लामी का कनेक्शन पाया गया उसकी बात हो रही है, पटना से जिस तरीके से PFI के लोग पाए जाते हैं जिनका आतंकी कनेक्शन होता है, या फिर और भी तरह तरह की चीज़ें बातें जब हो रही हैं, तो हमने सोचा कि इस खबर के तह तक जाते हैं और समझते हैं कि हमारे देश में इन खबरों का कितना या फिर आप ये कहिए कितना गहरा प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले कुछ सालों में। तो मैंने जी अपने जितने भी हमारे मनमौजी पे काम करते हैं, राजधर्म पे आप जिनको देखते हुए आ रहे हैं, ये प्रभात रंजन मिश्रा, आप इनको देखते हुए बड़े वायरल हो रहे हैं आजकल ये राजधर्म पे, मनमौजी पे भी बड़े वायरल हैं। इधर गौरव अवस्थी साहब को भी मैंने बिठा लिया कि आइए अब विश्लेषण करते हैं इस पूरे जो आपका खबर आई है इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। और जो दो नए व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है आज से दो दिन पहले ही हुआ, पटना के एक ताहिर पकड़े गए, शायद ताहिर पकड़े गए, उनके थ्रू जो कि पीएफआई के वो भी सक्रिय सदस्य थे, उनके पास से दो व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ। तो ये सारी खबरों की आज हम विश्लेषण करेंगे, तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आगे चल के हमारे देश में इन खबरों का या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का, PFI जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, दावत इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर ऐसी कट्टर सोच का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी खबरों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और चलिए हम लोग अब थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं। मैं एक एक सवाल ज़रा दोनों से पूछना चाहूँगी कि हल्के हल्के सवाल पूछूँगी। अच्छा प्रभात जी, मैं पहले आपसे शुरू करती हूँ। आप ग्राउंड पे गए, आप अमरावती गए, आपने वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की, आपने कोले क्या नाम था उनका, उमेश कोले हत्याकांड को आपने बड़े करीब से देखा, तो आपको क्या लगा, मतलब क्या माइंडसेट लगती है, क्या जो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं PFI जैसे संगठन जिस तरीके से वो कहते हैं कि जी भारत को हम इस्लामिक देश बना देंगे, मुस्लिम युवाओं को हम अपने संगठन में शामिल करवाएंगे, कट्टरता पूरी तरीके से हम बखूबी उसको निभाएंगे, तो क्या लगता है मुस्लिम युवाओं में सच में इसका कुछ प्रभाव है या फिर क्या है, आप समझ जाना चाहूँगी। प्रभाव तो है और बहुत बड़ा प्रभाव है। अमरावती की जहाँ तक आपने बात की तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि अमरावती के अंदर क्या है कि पूरी जो बातचीत है ना वो अमरावती के लोगों तक पहुँच नहीं पाई। अच्छा। क्योंकि ये वाकया जो था वो 21 तारीख का था और 21 तारीख को अगर आपको याद हो कि तो महाराष्ट्र की सियासत जो है वो रुख ले रही थी अलग। ठीक। वहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब बागी हो गए थे, शिवसेना, NCP और कांग्रेस की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं खतरे में आ चुकी थी। तो जो पूरा मीडिया अटेंशन था वो किस चीज के ऊपर था कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी। तो उमेश कोल्हे की हत्या जो है वो कहीं ना कहीं दब गई। अच्छा। आप ये मान के चलिए, मैं ग्राउंड पे रहा हूँ अमरावती में, मैंने बहुत प्रबुद्ध लोगों से, पत्रकारों से बात की है, उन्होंने साफ साफ ये कहा मेरे को कि अगर उमेश कोल्हे की जो हत्या है वो सामने आ गई होती, उसके एंगल को सामने लाके रख दिया गया होता तो उदयपुर कांड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उस पैटर्न को फॉलो करती कि अगर नुपुर शर्मा के स्टेटस पर हत्या हो रही है तो जिस जिसको थ्रेट मिला था उसको सिक्योरिटी दे दी गई होती या जिस जिसने थ्रेट दिया था उसको उठा लिया गया होता। बिल्कुल। तो पहली बात, और वहां पे बाद की पॉलिटिक्स में ये हुआ कि सारा का सारा दोषारोपण जो है वो RTG जो वहां के CP है उनके ऊपर डाल दिया गया। अच्छा। अब वो सत्य है असत्य है उसका फैसला बाद में, लेकिन एक बात तो ये सही है कि जब मैं उमेश कोल्हे की फैमिली से मिला तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके मन के अंदर दो डाउट थे। पहला डाउट कि उनकी हत्या जो है वो मिसमैच होने की वजह से हुई, यानी कि वो किसी और की हत्या करने आए थे लेकिन हत्या उमेश कोल्हे की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि ना मास्क लगा रखा था, पूरा चेहरा देखा गया है, रैकी की गई है, यानी कि हत्या उमेश कोल्हे की गई। फिर एक जो बहुत आपने भी तथ्य सुना होगा कि अरे ये हत्या तो रॉबरी के लिए हो गई, रॉबरी के लिए नहीं, अगर रॉबरी के लिए हत्या की जाती है तो डराने के लिए छोटे मोटे कट्स माने जाते हैं। पुलिस के अनुसार, जो उमेश कोल्हे की फैमिली ने मुझे बताया, उसके अनुसार ये था कि ट्रेंड मर्डरर्स का काम था। अच्छा। यानी कि जो मारा गया ना वो यहाँ मारा गया है। अच्छा। आप इसको चेक कीजिए, यहाँ नहीं मारा गया, पेट में नहीं मारा गया। तो जो फॉरेंसिक टीम्स वहां पे आई, जो बात की उन्होंने उमेश कोल्हे के भाई या मुकेश कोल्हे से, तो उन्होंने बोला वो ट्रेंड सिर्फ मारने के लिए ही वार किया गया। अच्छा। तो हाँ। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर आप मानसिकता की बात कर रही हैं तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी कि आप कहेंगे कि नहीं मानसिक रूप से लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। एक्सट्रीमिस्ट ताकतें बढ़ रही हैं। हम जब देखते हैं 5 मुस्लिम्स खड़े हो जाएं
और विरोध कर दे उमेश कोले की हत्या का, कन्हैया लाल की हत्या का, तो वहां पे एक जन ऐसा आ जाता है जो उसको नूपुर से कनेक्ट कर देता है। और नूपुर से कनेक्ट करने का मतलब साफ है, वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं इस हिंसा को, इस हत्या को। और देखो, आपको किसी की बात बुरी लगे अच्छी लगे, डजंट कंसर्न, आप हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकते। बड़ा गंभीर हो जाते हैं अगर ऐसी बातें हो जाती हैं तो, मतलब गुस्सा अंदर से आ जाता है प्रभात जी को। अच्छा, यहाँ मैं इसी आज की जो हमारी खास बातचीत थी वो इसी मुद्दे पे थी कि क्या मुस्लिम युवा इन सब चीजों से, इन सब संगठनों से प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रभात जी की बात तो आपको इतिहास पे भी लेके जाऊंगा, इसके स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं मुस्लिम युवा जो है कुछ हद तक प्रभावित हो रहा है। अच्छा गौरव, मैं अगर आपसे पूछूं, एक सवाल पूछूं कि जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में चैट्स आई, मैं आपको कुछ चैट्स पढ़ के सुनाना चाहती हूं कि ये जो गजवा, एक दो चैट्स, दो ग्रुप्स बने थे पहले। तो एक ग्रुप जो था वो गजवाए हिंद करके था, उसका जो टाइटल था ग्रुप का वो था गजवाए हिंद, और जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था डायरेक्ट एक्सेस 2023। ये ग्रुप दूसरे ग्रुप का नाम था प्रभात जी, अगर मैं आपको बताऊं तो। इन इस जो गजवाए हिंद वाले ग्रुप में क्या बातचीत हो रही थी, कोई फायदा नहीं AIMIM को सपोर्ट करने की, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 में, खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से मेरा एक सवाल आपसे होता है कि ये जो बोला गया कि खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम्स करेंगे, ये जो दूसरा ग्रुप मैंने बताया कि डायरेक्ट एक्शन 2023 वाला, क्या लगता है ये पहले कभी भारत में हुआ है, कभी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, रिपीट हुई हैं, या फिर ये बस हवा हवाई बातें हैं इस तरीके से, बस युवाओं में जोश भरने के लिए, अपना एजेंडा साबित करने के लिए बस ये बातें की जा रही हैं, क्या लगता है आपको? ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है, आज का डायरेक्ट एक्शन वाला नहीं है आपने जो बताया। और आपने बताया जैसे कि व्रेन बास इस तरीके की चीज़ें हो रही, तो ये आज से नहीं हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी 40 लोगों को तैयार किया गया PFI के द्वारा, उसमें बोला गया कि भारत के खिलाफ करते कुछ क्यों नहीं हो, उसमें सीधे सीधे हाथ आया था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बैठे आकाओं ने तैयार किया भारत के खिलाफ कुछ करो। ये सब चीज़ें मतलब आज से नहीं हो रही हैं, ये लंबा एक प्रोसेस है। हाँ नहीं, ये गजवाए हिंद वाला जो सपना है ये इनका आज का नहीं है। और आपने जैसे PFI वगैरह की ये तमाम सारी चीज़ों की बात की, तो ये आज की नहीं है, मतलब अभी भी जब 40 जो कट्टरपंथी तैयार किए गए थे इनके आका पाकिस्तान पर बैठे हुए थे, और इन्होंने ऐसा तैयार किया कि भारत के खिलाफ कुछ करते कोई नहीं। ठीक इसी तरीके की चीज़ें जो तैयार की गई थी जिन्ना के समय पर तैयार की, उस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कैबिनेट की बैठक होनी थी, तो उस समय आपस में दोनों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद मतलब जिन्ना ने ऐसा जहर बोया, जिन्ना ने बोला कि मतलब मुसलमान उसके समर्थन में नहीं थे जिन्ना के, लेकिन तब भी मतलब ऐसा बरगलाया गया। और भी तमाम सारी चीजें आपने देखा होगा, कलकत्ता किलिंग्स वाली जो चीज है वो उसी समय की निकल के आती, कलकत्ता किलिंग्स हुई थी तो उसके बारे में जिन्ना ने बहुत सारा भड़काया था। उसके बाद मतलब उस समय वो समय जो था वो रमजान का समय था, रमजान चल रहा था, तो रमजान के समय में 17वां शायद रमजान था, मुझे जो डेट फाइनल नहीं याद, हाँ हाँ 17वां रमजान का समय था, तो उस समय मतलब मुस्लिमों के घर घर पर पर्चे पहुंचाए गए थे, घर घर में ऐसे जिहादी पर्चे पहुंचाए गए थे कि मतलब कि उसमें लिखा हुआ था जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ करो, उस पर्चे की मेन हेडलाइन थी जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ करो। और उसमें मतलब ऐसा कि हम लोग 10 करोड़ लोग हैं, तब भी मतलब हम लोग हिंदुओं से दबे हुए हैं, अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें इतना कट्टरपंथ, मतलब एक उसमें हम अच्छे से बात करेंगे, एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे कि उस फतवे, आज जैसे हम लोग बोल देते हैं कि फतवा जारी होता है, तो वो उस समय एक पर्चा दिया गया था, जगह जगह पर पहुँचाया गया था, उसके बाद इतना उग्र हो गए थे कि मतलब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को जहन में ला भी नहीं सकते, ऐसा उग्र हो गए थे। मतलब उस चीज की अगर बात कर रहे हैं तो रोंगटे हम लोगों के खड़े हो जाएंगे कि इतनी वहां पे क्या क्या नहीं करवाया गया हिंदुओं से। मतलब जो डेटा है, कुछ डेटा बताते हैं कि 40,000 से लेकर के वहां पर लाखों लोगों की हत्याएं की गई, मतलब इतनी उग्र संख्या पर किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में छुरी थी, किसी के हाथ में बंदूक था, वो लोग निकले और मतलब कत्लेआम करते चले गए, खून की नदियां बही थी वहाँ पे। मतलब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो थोड़ा क्रोध है और ऐसा मतलब बात करते हुए घबराहट होती है इन सब चीज़ों पे। और कुछ हिंदू के ऐसे जगह थे जहाँ पर गाय वगैरह वो लोग पालते हैं, तो उनको जबरन गाय कटवाई गई, क्योंकि देखिए हिंदुओं में गौ को माता मानते हैं, आप सभी लोग, हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू को गाय माता मानते हैं, तो उस समय गाय किलिंग करवाई गई और उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया और मतलब 1,00,000 हिंदुओं को बेघर किया गया था। उसके बाद ये जो डायरेक्ट एक्शन वाला, तो वहाँ से ये डायरेक्ट एक्शन वाले की जन्म होती है। हाँ डायरेक्ट, और आपका कोई सवाल?
लीजिए, मैं एंकर हूँ, मेरे पास माइक है क्या? तो माइक हम लोगों के पास थोड़ा सा कम है, तो रिसोर्सेज की कमी है, तो इसलिए क्या है तो माइक हम लोगों को शेयर करना पड़ रहा है। रिसोर्सेज की कमी है, हाँ, हम लोगों के पास बोलने की कमी नहीं, बोलने की कमी नहीं, दिन बोल सकते हैं, पूरा दिन बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बात कही डायरेक्ट एक्शन डे की बात की, प्रभात जी मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहूँगी, जो डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, फिर इन्होंने जिस तरीके से कहा कि आज़ादी के पहले भी ये चीज़ कट्टरता थी, तभी शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। देखिए इस चीज़ को समझ, अब क्या अब इन लोगों के मंशा क्या है, अब ये क्या चाहते हैं, अब ये जो गुट है आपका PFI हो गया या फिर ऐसे, अब मैंने ये भी देखा दरभंगा में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी हमारे मेंबर्स को है जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे जो संगठन है PFI उसको जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर मैं इतिहास से भी कनेक्ट करवाना चाहूँ और अब इनकी मंशा मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो क्या है, वो अगर आप मुझे समझाएं। आपने सिमी नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, ठीक है, सबसे पहली बात समझिए कि सिमी के ऊपर कई बार प्रतिबंध लगे और जब सिमी खत्म हुई तभी PFI का जन्म हुआ था, यानी कि चूंकि उसको भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया तो उसके बाद जो है वो सिमी का जो है वो सिमी की जगह पे PFI ने ली, तो बेसिकली PFI की विचारधारा वही है जो सिमी की थी। यही वजह होती है चाहे दिल्ली दंगा हो, कानपुर हिंसा हो, प्रयागराज हिंसा हो, कन्हैयालाल मर्डर केस हो, उमेश कोले मर्डर केस हो, अभी पटना की बात कही आपने, उन सब के अंदर आपको एक नाम कॉमन नजर आता है, PFI। प्रभात जी शायद जो सिमी का जो राष्ट्रीय महासचिव था वो सचिव भी रह चुका है उसका PFI का, मतलब देखिए आप क्या हुआ है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बदला है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बदला है, लोग उठ के यहीं पे कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके अंदर आपने एक बार जिक्र किया था जब आप व्हाट्सएप चैट पढ़ रही थी, AIMIM को सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आप समझिए जहां जहां मुस्लिम वर्गों की आबादी ज्यादा है वहां वहां AIMIM अपने पांव पसार रहा है, वो अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, राजनीतिक रूप से चुने हुए जो लोग, लोकतांत्रिक लोग से जो चुने हुए जो लोग हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अब AIMIM के बायकॉट करने की बात क्यों की गई, कोई सोच रही होगी उनकी इस वजह से? और दूसरा, अभी आपको पता होगा 5 विधायक थे AIMIM के, उसमें से 4 जो है वो RGD की पार्टी में चले गए, तो एक तो विश्वास टूटा। अब जो अलग चीज है जिसके बारे में बात करना बेहद महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान जब बन गया तो एक मैसेज जो है ना बहुत क्लियरली दिया गया, जो लगातार दिया जाता है, ठीक है, आजादी मिली है, उसके अगले दिन से ही हमारी जंगें शुरू हो गई हैं कश्मीर को लेके, 12 तक आ गई थी उनकी फौजें, और क्या नारा लगा रही थी, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। बेसिकली उनका day 1 से चीजें क्लियर है, बस प्लान ऑफ एक्शन के अंदर वो चेंजेस लाते हैं। जैसे पहले वो आमने सामने की लड़ाइयां लड़ते थे, हारे, ठीक, आपको याद होगा कि इन्होंने बीच में खालिस्तानियों का भी इसके अंदर समर्थन लिया था, जर्नैल सिंह भिंडरा वाले हैं उनका 2 घंटे लंबा इंटरव्यू किया था सतीश जैकब ने, BBC के पत्रकार है, जब सतीश जैकब ने उनसे पूछा कि आपकी क्या योजना है भारत सरकार के खिलाफ लड़ने की, अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि भैया हम यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे, हमारी उनके साथ अच्छी बातचीत है और हम वहां से गुरिल्ला युद्ध करेंगे, छुपके युद्ध करेंगे। एक मिनट में रुकना चाहूंगा, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए। इस चीज का बदला लिया भारत सरकार ने, प्रेमनाथ हूं जो थे उस टाइम में भारतीय सेना के कमांडर हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को सबसे ठंडे मोर्चे पर घेरा, सियाचिन, और सियाचिन को हमने ऑपरेशन मेघदूत जिसका नाम दिया गया, हमने जीता। उसके बाद से ही पाकिस्तानियों के अंदर एक खुन्नस है, अच्छा, कि हमको सियाचिन वापस लेना है, और उसके लिए कश्मीर का मुद्दा जो है ना बांग्लादेश के मुद्दे से भी ज्यादा बड़ा है, बांग्लादेश भी हमने ही बनवाया है, लेकिन वो कश्मीर को जो है ना बहुत ज्यादा अपने अंदर ले चुके हैं, इसी वजह से 1999 कारगिल हुई। अब आप चेक कीजिए 1999 कारगिल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फौजी भेजे लेकिन मुजाहिदीनों के भेष में, उसके बाद आपने लगातार बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, उन्होंने टेररिस्ट भेजना शुरू किया, यानी कि जब वो जंग लड़ना हार गए, बॉर्डर पे नहीं जीत पाए हमसे, तो उन्होंने मुजाहिदीन भेजे, जब मुजाहिदीन भी कुछ नहीं कर पाए तो टेररिस्ट भेजे। अब इन्होंने क्या किया है कि भारत के अंदर जो कुछ लोग हैं जो जिहाद का सपना पाले हुए हैं, इस्लामिक आतंकवाद का सपना पाले हुए हैं, उनको फंड करना शुरू कर दिया है। बेसिकली लड़ पाकिस्तानी रहा है, वो अपने तरीके बदल रहा है, क्योंकि उसको अपना मिशन जो है वो कंक्लूड कर। शॉर्ट में रखते हैं, ज्यादा कोई वो नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई है कि AIMIM के विधायक का आना, फिर उसका टूट के जाना, विश्वास टूटना। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? डायरेक्ट एक्शन डे को क्लियरली समझिए, उस टाइम में जो यूनाइटेड बंगाल है, यानी कि आज का बंगाल और मध्य प्रदेश बांग्लादेश भी, उसके सोहराबार्द नाम का मुख्यमंत्री हुआ करता था, ठीक है, उन्होंने बाकायदा भाषण दिए, भड़काया है,
उसकी वजह से वहां पे कत्लेआम हुआ है। एक आंकड़ा कहता है कि 20,000 से ज्यादा हिंदुओं की डेथ हुई थी और 72 घंटे के अंदर 6,000 से ज्यादा मौतें हुई थी और लाखों की संख्या में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग पाकिस्तान बनाना था, उन्होंने लड़कर आपसे पाकिस्तान लिया। आज भी जो जितने भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है उनके मन के अंदर सिर्फ यही है कि हम लड़कर भारत को झुका लेंगे और यही हो रहा है। आप देखिए तमिलनाडु के अंदर एक स्कूल में, मतलब एक गांव के अंदर जो है वो मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा हो गई, तो वहां पर यह कह दिया गया कि भाई साहब यहां पर अब शरिया का कानून चलेगा क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा हो गई है, मंदिर का घंटा जो है वो नहीं बजना चाहिए। झारखंड का विवाद सामने आ रहा है, आप देखिए चेक कीजिए, जैसे ही संख्या बल बढ़ा वो तो भला हो मद्रास हाईकोर्ट का कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस चीज का फैसला पलटा, लेकिन कोई भी जो सेक्युलर जीव था वो इसके ऊपर बोलने नहीं आया। तो बशर्ते वो डायरेक्ट एक्शन डे उस दिन से चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक इसके ऊपर कोई ऐसी चीज लेके नहीं आई जाती है जो भारत को सिक्योर कर दे। अच्छा प्रभात, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, सिमी बैन हुआ तो पीएफआई खड़ा हो गया, अगर अभी अगर गवर्नमेंट अगर पीएफआई को बैन करती है तो कल को और कोई दूसरा संगठन खड़ा हो सकता है, तो इसके लिए क्या आपको लगता है? आप पत्रकारिता में शायद मेरे ख्याल से 5-6 सालों से काम कर रहे हैं, 4 साल करीब आपका एक्सपीरियंस है, क्या लगता है कि इनके ऊपर ऐसा ठोस क्या कदम लगाना चाहिए या फिर ऐसा ठोस क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ये पूरी तरीके से काबू में आए? देखिए आपको जड़ पे जाना होगा। हाँ। आप जब तक जड़ पे नहीं जाओगे ना तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, वो बहुत प्यारी बात कहते हैं कि किस तरीके से जो कुरान की इंटरप्रिटेशन है और देवबंद जो पढ़ाता है उसके अंदर कितनी बड़ी डिफरेंस है। जैसे सिंपल सी बात कहें, जिहाद के बारे में कुरान ये कहता है कि भैया जिसके ऊपर अत्याचार हुआ हो, जिसको घर से निकाला गया हो, उसके लिए क्या है, जिहाद जायज है। जबकि अगर आप नॉर्मल वीडियोज वगैरह जब देखते होंगे तो उसमें आपको नजर आता होगा कि जो गैर मुस्लिम है उसको मारना जिहाद है। हाँ। तो बेसिकली क्या है कि जो इस टाइप के स्कॉलर्स हैं, जो अच्छी बातें कहते हैं, उनका प्रचार प्रसार तो कम हो पाता है और ये जो दूसरे वाले हैं उनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो जाता है। अनसेटिस्फाइड यूथ को सेटिस्फाई करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि देखो आपको ये समझना होगा पाकिस्तान अपने बंदे नहीं भेज रहा। बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके लिए पाकिस्तानी रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही, पाकिस्तानी जाने नहीं जा रही है। मोहम्मद गौर कौन था? हिंदुस्तानी था। उमेश कोले को जिन्होंने मारा वो कौन था? हिंदुस्तानी था। ये जो पीएफआई के लोग पकड़े गए वो कौन थे? हिंदुस्तानी थे। वो ये देखिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में इंडियन मुस्लिम्स भी लिखा हुआ है। वो अपनी मेंटालिटी को स्प्रेड आउट करने में कामयाब हो रहे हैं, जो बड़ा थ्रेट है। और देखो लोकतांत्रिक देश के अंदर जो है ना हमारे पास पूरे राइट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाने के, उसको कंडक्ट करने के, लेकिन गवर्नमेंट्स को भी जितनी भी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकार हो, सभी को एक लाइन तय करनी पड़ेगी कि इस लाइन के अंदर जो रहेंगे वही ओके हैं। हाँ। अगर उस लाइन से बाहर जाएंगे तो फिर उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शंस लिए जाएं और तीव्र लिए जाएं, क्योंकि आप देखिए कश्मीरी पंडितों को आज तक न्याय नहीं मिला। यही वजह है जस्टिस बहुत बहुत जो जस्टिस जब बहुत देर से मिलता है ना तो उस जस्टिस का कोई फायदा नहीं रहता, वो जनरेशन खत्म हो गई, वो जनरेशन खत्म हो गई जिसने वो कत्लेआम देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इतनी जल्दी इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी होगी कि एक मिसाल एक नजीर पेश की जा सके, और जब आप मिसाल और नजीर पेश कर देंगे तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा अच्छी है। इस देश के अंदर अब्दुल हमीद साहब रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के टैंकों को निस्तो नाबूद किया है, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश में रहे जिन्होंने हमें वो मिसाइलें दी हैं जिससे पूरी दुनिया जो है वो खौफ खाती है। तो सबसे पहले हमको ये चीज करनी होगी कि एज अ मीडिया पर्सन हमें एक चीज समझनी होगी कि जो व्यक्ति हेट मॉन्गर है, जैसे कि मेरे लिए कही जाती है कि मैं बार बार जो है वो वीडियोस में उस तरीके की छवियों को लेके आ रहा हूं, मैं इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि लोग सचेत रहें। बिल्कुल। हाँ। उन हेट मॉन्गर्स को तो हम एक्सपोज करें, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखें कि एक भी निर्दोष व्यक्ति उसमें फंसे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 बेगुनाहों, मतलब 100 आपको गुनाहगार छोड़ने पर जाए छोड़ जाओ, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और सेकेंडली लोगों को भी सोचना होगा कि जो लोग इस तरीके के फतवे जारी कर रहे हैं, जो उनको उकसा रहे हैं, वो लड़ने नहीं आ रहे, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे एसी में हैं। हाँ। बच्चा गया मुदस्सर जिसकी माँ जो है वो परेशान है, वो भले कुछ भी कह दें। हाँ। कि इस्लाम के लिए ऐसे 100 मुदस्सर कुर्बान, लेकिन बच्चा गया उनका,
आप समझिए इस चीज को, और बच्चा नहीं जाएगा किसी भड़काने वाले का, जो आग लगाएगा उसका कुछ नहीं जाएगा। मुस्लिम्स को यह समझना होगा कि जो लोग उनको बरगला रहे हैं, और हिंदूस को भी बेसिकली, वो उन लोगों को खुद एक्सपोज करें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। लोग पूछेंगे कि जब आपको पता था कि इस तरीके की मेंटालिटी आपके बीच में उपज रही है तो आपने उसे क्यों नहीं काटा। याद रखिए, गुनाह का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट जो है प्रभात ने उठाया, और मैं आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से ये बात बताना चाहूंगी। मैं कल एक मौलाना से मिली थी जो कि मदरसा चलाते हैं, उनसे जब मैंने पूछा जी आपके बच्चे भी पढ़े हैं क्या मदरसा में, तो उनका सीधा जवाब था जी मेरा एक लड़का डॉक्टर बनने की चाहत है, वो अभी नीट का एग्ज़ाम उसने दिया है, मेरी जो लड़की है वो LLB उसने किया है, और दो और बच्चे थे उनके जो अभी छोटे छोटे हैं। हाँ, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो अगर मदरसे बंद हो जाएंगे ना तो उनको सरकारी फंड नहीं मिलेगा, उनकी दाल रोटी खराब हो जाएगी। आप समझिए, आपको आज बड़ी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाना होगा, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाना होगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते, देखो रिलीजन जो है ना वो पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए सबका, वो थोपने वाला ओपिनियन नहीं होना चाहिए। और ये जितने भी लोग जो है ना इस टाइप की चीजों को बढ़ावा देते हैं उनका निजी पैसों का स्वार्थ है उसमें। हाँ, तो ये सारा कंक्लूजन जो है मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि क्या ये रूट्स लेवल पे जो है कितना जाके ये घातक हो सकता है। तो ये आज का ये जो खबर थी हमारी, इसका पूरा विश्लेषण था, तो मैंने आज सारा पूरा विश्लेषण आपको बताया कि खबरों को किस तरीके से समझना चाहिए और इसका जो आम जीवन पे क्या इम्पैक्ट होता है ये भी प्रभात ने बहुत अच्छे से समझाया। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको ये पूरी हमारी जो बातचीत है पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि और भी टॉपिक्स पे इस तरीके से ही बातचीत हो तो आप कमेंट करके बताइए, और जो भी हमारी बातचीत के बीच में आपको लगे कि हाँ जी ये आपके मन में बात आई और आपको वो हमें बतानी है, हम तक पहुँचानी है, तो कमेंट्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए और वो बात हम तक पहुँचेगी, फिर हम दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।